हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजीव शर्मा। और जो आज हमारी साइंस की क्लास है, इस साइंस की क्लास में हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसका एक टॉपिक लेटेंट हीट को डिस्कशन करेंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा लेटेंट हीट। तो हम ये देखेंगे व्हाट इज लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या है। तो पहले तो इस वर्ड को देख लेते हैं। द वर्ड लेटेंट मीन्स, जो वर्ड की हम बात कर रहे हैं लेटेंट, इट मीन्स हिडन, मतलब छुपा हुआ। लेटेंट का अपने आप में अगर हम मीनिंग देखें ये कि किस क्या होता है, छिपा हुआ। तो एक तरह से जब हम देखते हैं लेटेंट हीट मीन्स हिडन हीट, छिपी हुई, हिडन हीट छिपी हुई एनर्जी। अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। अब टू चेंज द, इस बात को हम देखेंगे, टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। अब स्टेट की अगर बात करते हैं, मैंने लिया आइस, ठीक है, आइस को चेंज करना है हमें। तो देखो स्टेट क्या है, सॉलिड है, आइस कैसी है, सॉलिड। अब इसको हमने थोड़ा सा हीट किया, गर्म किया, ठीक है ना। तो आइस जो है वो धीरे धीरे क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी। आइस जब मेल्ट होगी तो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। तो स्टेट चेंज हो गई लिक्विड, आइस को गर्म किया, ठीक है, तो इसमें चेंज होगी लिक्विड में। तो यही बात है, टू चेंज द स्टेट। अब आइस से हमें इसमें जाना है लिक्विड स्टेट, यानी सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो अभी आप इसको ये समझिए कि आइस सॉलिड सब्सटेंस, हमने हीट दी, इट इज चेंज इनटू लिक्विड। आइस किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। तो कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ेगी। वो जो हीट है जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी सब्सटेंस को चेंज होने में काम आ रही है, इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो ये डेफिनेशन हम यहाँ पर इस तरह से एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो ये एग्जांपल हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलें, लेटेंट हीट does not rise the temperature it has always to be supplied to change the state of a substance। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जब भी हम लेटेंट हीट की बात करते हैं तो फर्स्ट लाइन क्या कह रहे हैं, यहाँ पर देखिए, लेटेंट हीट does not, इस वर्ड को आप ध्यान से देखेंगे, does not rise the temperature, most important है यहाँ, does not rise the temperature, मतलब heat भी दे रहे हैं और temperature भी rise नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो यानी जो latent heat है वो temperature नहीं बढ़ाती है, temperature increase नहीं करती है। इसको कैसे समझें, हम जनरली अगर लें, कोई एक बीकर लिया हमने, ये बीकर है, ठीक है, थोड़ा सा इसको बीकर को अपने बड़ा बना लेते हैं। ये बीकर, इस बीकर में मैंने वाटर ले लिया, जनरली एक एग्जांपल ले रहे हैं, और जब मैं इसको क्या करता हूँ, गर्म करूँगा बर्नर के थ्रू, इसको हीट दूंगा, तो नॉर्मली इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सामान्य रूप से वाटर था बीकर में, बर्नर के थ्रू अगर हम उसको गर्म करते हैं तो नो डाउट, अगर ये टेम्परेचर फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं पहले 30 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है ना, बाद में गर्म करने के बाद हम ये मान लेते हैं 10 डिग्री, क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया। तो जो हीट हमने दी थी उससे टेम्परेचर क्या हो गया, वाटर का इंक्रीज हो रहा है इस एग्जांपल में। बट यहाँ पर जो हमें समझना है, क्या लेटेंट हीट डज नॉट राइज द टेम्परेचर, ये जो लेटेंट हीट की जो बात कर रहे हैं वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगी। तो अब इसको कैसे समझें, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगी, क्या करेगी फिर ये, इट हैज ऑलवेज टू बी सप्लाइड टू चेंज द
द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज ना करके केवल किसमें काम आएगी, वो स्टेट चेंज करने में। जैसे स्टेट चेंज मीन्स ये देखा था हमने, यानी आइस से लिक्विड बनाने में जो एनर्जी काम आ रही है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। पूरा एक बड़े एग्जांपल से हम अभी इसको और डिटेल में देखेंगे। तो आइस से लिक्विड में केवल क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो ये जो लेटेंट हीट है ये ओनली एंड ओनली स्टेट चेंज होने में ही काम आएगी, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। तो ये जो एनर्जी है इसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, या हीट है, इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाई लेटेंट हीट डज नॉट कॉज अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। यहीं से क्वेश्चन आया कि लेटेंट हीट जो है वो कारण क्यों नहीं होती है टेम्परेचर इंक्रीज होने का। तो हीट भी जा रही है, बर्नर तो जल ही रहा है ना, बर्नर गल रहा है, ठीक है, तो वो हीट जा आ रही है, वो कारण क्यों नहीं बनती है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने का। तो यहाँ पर जो उसका आंसर आता है हमारे पास, क्या लेटेंट हीट इज यूज्ड अप इन ब्रेकिंग या ब्रेक ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो भी सब्सटेंस होते हैं उसमें सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी, ठीक है, उनमें क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस तरह से फोर्स जो उनके पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में काम आती है कौन, लेटेंट हीट। यही रीजन है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में काम आ गई तो वो टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर पाती। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे लिए कि व्हाई लेटेंट हीट डज नॉट कॉज अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस। तो लेटेंट हीट इज यूज्ड अप इन क्या, ब्रेक या ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट चेंज होने के दौरान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में ये एनर्जी क्या आती है, काम आती है। और ये रीजन है तो क्योंकि ये तो यूज हो गई इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में, तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। ये रीजन है कि टेम्परेचर क्या नहीं होता, इंक्रीज नहीं होता है। ये क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पर दोनों मिल जाते हैं हमें। अब इस लेटेंट हीट को हम मेनली अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये टू टाइप्स हम यहाँ देखेंगे अपने सिलेबस में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट को हमने कितने टाइप्स में डिवाइड कर दिया, टू टाइप्स में, दो तरह से हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। और आज जो हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में अगर हम देखें, एक डायग्राम है आपके लिए, और इस डायग्राम से या इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हम लेटेंट हीट को अच्छी तरह से क्या कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो चलिए इस डायग्राम को देख लेते हैं, सिंपली है बिल्कुल। ये एक स्टैंड है, ट्राइपॉड जिसको कह सकते हैं, इसके ऊपर एक बीकर सेट किया हुआ है, बर्नर आप देख पा रहे हैं, स्टैंड, बर्नर, ठीक है। और इस बीकर के अंदर हमने कुछ जो है आइस लिया हुआ है, आइस के टुकड़े हैं, क्रश की हुई क्या है आइस, बुरादा सा बनाया हुआ, ठीक है। इसके बाद जो है बीकर और एक थर्मामीटर सेट किया हुआ है जो कि टेम्परेचर को मेजरमेंट करने में काम आएगा, और एक स्टीयरर जो कि क्या करना है थोड़ा सा मिक्स करने में हमें हेल्प करेगा। तो ये एग्जांपल, वो सॉरी डायग्राम है। अब करना क्या है हमें देखें यहाँ पर, तो हम लेटेंट हीट को यहाँ पर समझना चाह रहे हैं, और लेटेंट हीट की कौन से वाली, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो वी टेक सम क्रश आइस इन अ बीकर, सबसे पहला काम क्या करना है, बीकर में हमने कुछ क्रश की हुई क्या ले ली, आइस ले ली। टेम्परेचर आपको पता ही, आइस 0 डिग्री जो है अपने को टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री, ठीक है ये। तो अब ये 0 डिग्री आइस की मैं बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर थर्मामीटर क्या बताएगा, 0 ही बताएगा यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप क्या है,
नोट द टेम्परेचर इट इज टू बी 0 degree Celsius. हमने क्या किया, टेम्परेचर को नोट कर लिया, टेम्परेचर इज 0 degree Celsius. तो इसको एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखना है. ये ऊपर जो डेफिनेशन हमने समझने की कोशिश की थी अलग अलग एग्जाम्पल से, उसमें भी बहुत हेल्प करेगी समझने में. नाउ हीट द आइस. अब हमें बर्नर से इस आइस को क्या करना है, गर्म करना है. तो जनरली जो दिमाग में बात आती है वो ये आती है कि जैसे ही हम गर्म करेंगे किसको, आइस को, जैसे कि यहाँ पर था ये एग्जाम्पल, हमने वाटर को टेम्परेचर गर्म किया तो क्या हो गया था, टेम्परेचर 30 से क्या हो गया था 40 हो गया था वाटर के केस. बट हमारे पास क्या है यहाँ पर आइस. तो अब ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नाउ हीट द आइस. आइस को हमने क्या किया, गर्म किया. मोस्टली स्टूडेंट सोचते हैं कि टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0 से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. सामान्यतः होना भी यही चाहिए अगर हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है यहाँ पर तो. बट ऐसा नहीं होता, क्या होगा, आइस स्टार्टेड मेल्टिंग टू फॉर्म वाटर. यानी अब आइस जो है मेल्ट होना तो स्टार्ट हो रही है और वाटर में भी चेंज हो रही है, ठीक है ना. बट इम्पॉर्टेंट बात यह है, टेम्परेचर डज नॉट राइज ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस. मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, टेम्परेचर डज नॉट राइज ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस. जब तक आइस पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती, यानी छोटा सा कोई टुकड़ा भी आइस का अगर यहाँ पर रहेगा तब तक थर्मामीटर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा. अब मज़ेदार बात यह है, बर्नर भी जल रहा है, टेम्परेचर भी नहीं बढ़ रहा है ना. अजीब सी बात है, फिर ये एनर्जी जहाँ आ रही है, भाई हमने तो बर्नर जला रखा है 5 मिनट हो गए या 2 मिनट हो गए, तो ये बर्नर की एनर्जी तो आई होगी ना, वो बर्नर वाली एनर्जी या हीट वो कहाँ गई, छिपी हुई है ना. छिपी हुई क्यों है, बट थर्मामीटर बता नहीं रहा. अब थर्मामीटर बता नहीं रहा तो जा कहाँ रही है. यहाँ से हमें लेटेंट वर्ड जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, हिडन मीन्स, अब ये एनर्जी जो या हीट जो प्रोड्यूस तो हो रही है, एब्जॉर्ब भी हो रही है ऊपर, लेकिन शो नहीं हो रही है. शो क्यों नहीं हो रही, थर्मामीटर 0 पर था, 0 पर ही पड़ा है, तो अब वो कहाँ गई, तो अब कहाँ गई, क्योंकि ये छुपा हुआ है. सो इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. यानी जितनी देर आइस से मेल्ट होकर के वाटर बनेगा, यानी एक छोटा सा टुकड़ा भी आइस का रहेगा, उतनी देर जो है टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, और यही जो हीट है इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. तो जैसा कि अभी हमने बताया, फिर ये जाती कहाँ है, ये स्टेट चेंज करने में काम आ जाती है. स्टेट चेंज मीन्स आइस से किस में चेंज हो गया, लिक्विड में. ये मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया, आइस से हम कहाँ चले गए, लिक्विड में. यानी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, क्या होगा, केवल आइस से लिक्विड में, वाटर में चेंज हो जाएगी. तो ये जो छुपी हुई जो कि स्टेट चेंज होने में काम आ गई, इसी को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, लेटेंट हीट बोल देते हैं. तो ये डेफिनेशन है यहाँ पर, द हीट विच इज गोइंग इन टू आइस. ठीक है, आइस में तो जा रही है बट नॉट इंक्रीजिंग टेम्परेचर. यानी बर्नर तो चल रहा है, आइस में जा रही है बट नॉट इंक्रीजिंग टेम्परेचर. इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस. तो वास्तव में ये जो एनर्जी है, ये जो हीट है, ये आवश्यक है किसके लिए, टेम्परेचर स्टेट को चेंज करने के लिए, ब्रेक करने के लिए. जो एक तरह से बॉन्ड्स थे, एक तरह से उनको क्या है, फोर्स था, ठीक है ना, पार्टिकल्स के बीच में, उसको ब्रेक करने में काम आ जाती है. जो कि ये क्वेश्चन आंसर में देखा था, स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस. तो इस एग्जांपल से हम जो है ये समझ सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ, या हम लोग कहें लेटेंट हीट क्या है और ये कितने टाइप की होती है, ये हमने आज की क्लास में देखा. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.